फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हटके वीडियो कि उसमें हम लोग किस तरीके से अपने इंडियन वेयर को वेस्टर्न वेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी कि हम लोग अपनी साड़ी को किस तरीके से वेस्टर्न लुक दे सकते हैं, क्योंकि शादी फंक्शन चल रहे हैं तो बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं कुछ वेस्टर्न पहनूं और घर में अलाउ नहीं होता है, तो हम अपनी साड़ी को ही वेस्टर्न लुक दे सकते हैं। तो वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैं थ्री स्टाइल में साड़ी चॉपिंग करके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो स्कर्ट के साथ हम लोग किस तरीके से थ्री स्टाइल में साड़ी ड्रॉप कर सकते हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं पल्लू बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं इस तरीके से पल्लू की प्लेट्स को डाल लूँगी। तो ये देखिए, मेरी प्लेट्स बन गई हैं। आई मीन सारी प्लेट्स को अरेंज कर लूँगी और अरेंज करने के बाद यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लूँगी। अब ये देखिए, ये मेरी जो बाकी की प्लेट्स बची हैं, अब मैं उनको अरेंज कर लूँगी सबको बराबर से। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन की मदद से साड़ी को सिक्योर कर लूँगी। अब देखिए, मैं फ्रंट में इतना चेक करने के बाद, ये इतना साड़ी का पोर्शन छोड़ने के बाद मैं प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। अब देखिए, मेरी प्लेट्स बन चुकी हैं। अब मैं इनको भी मैं अरेंज कर लूँगी, सारी प्लेट्स को अरेंज कर लूँगी। तो ये देखिए, मेरी सारी प्लेट्स अरेंज हो गई हैं और अब मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लूँगी। अब ये देखिए, मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया। अब मैं इसको साइड में टक करूँगी और साइड में टक करने के बाद मैं स्कर्ट को घुमा दूंगी, इससे ये मेरा जो मैंने साइड में साड़ी टक की है ये बैक में चली जाए। तो इस तरीके से अब इसमें ये मैं साड़ी का जो पोर्शन है, नीचे का पोर्शन है, उसको मैं इस तरीके से उठाऊंगी और इसकी भी मैं छोटी छोटी प्लेट्स बना लूंगी और इसको अरेंज करने के बाद इसको भी मैं सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लूँगी। अब इन प्लेट्स को मैं स्कर्ट के साथ टक कर लूँगी। तो अब मैं बेल्ट लगा लूँगी। और अब ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट लुक। तो सेकेंड लुक के लिए मैं पल्ले को वैसे ही रखूँगी, पल्ले को ओपन नहीं करूँगी क्योंकि उसमें टाइम बर्बाद होगा, उसको वैसे ही रखना है। और साड़ी को बैक से ले जाते हुए मुझे फ्रंट में लाना है इस तरीके से, और इनकी सारे प्लेट्स में बना लूँगी पूरी साड़ी की इस तरीके से। और मुझे प्लेट्स बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि मुझे इधर थोड़ा ज़्यादा लूज छोड़ना है, तो मैंने देखिए इधर इतना ज़्यादा छोड़ दिया है। उसके बाद ये सारी प्लेट्स बना ली हैं और मैं इन सारी प्लेट्स को अरेंज कर लूँगी। तो देखिए, मेरी प्लेट्स अरेंज हो चुकी हैं और मैं अब सेफ्टी पिन की मदद से इनको सिक्योर कर लूँगी। तो मैं देखिए सेफ्टी पिन की मदद से इनको सिक्योर कर लूँगी और ये देखिए मैंने कर लिया है। और इनको मैं बिल्कुल फ्रंट में स्कर्ट के साथ टक कर लूँगी और जो बाकी का पोर्शन ये है साड़ी का है, इसको भी मैं अंदर कर लूँगी। अब मैं पल्लू को अरेंज करूंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं पूरे पल्लू को अरेंज कर लूंगी और ये यहाँ पे जो शेप बनेगी वो एक डी शेप में ही बन जाएगी। तो अब मैं बेल्ट लगा लूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए, ये है मेरा सेकेंड फाइनल लुक, जिसको कहते हैं डी शेप साड़ी लुक। तो ये कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा।
आप देखिए, थर्ड मेरा साड़ी लुक है, उसमें भी मैं पल्लू को नहीं छूंगी, इसको ऐसे ही रखूंगी। और इस तरीके से मैं आगे ये प्लेट्स बना लूंगी और इनको सारी प्लेट्स को मैं अरेंज कर लूंगी। अरेंज करने के बाद मैं इनको सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लूंगी। अब मैं इन प्लेट्स को स्कर्ट के साथ टक कर लूंगी, बिल्कुल फ्रंट में इस तरीके से। अब इसको मैं नीचे के पोर्शन को इस तरीके से उठाऊंगी और इसकी भी छोटी छोटी प्लेट्स बना लूंगी। अब इन प्लेट्स को मैं भी सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लूंगी और इन प्लेट्स को मैं इस तरीके से बैक में ले जाके और टक कर लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से पल्लू के अंदर से ले जाके और बैक में मैंने इनको टक कर लिया है। और मैं अब सारी प्लेट्स अरेंज करने के बाद बेल्ट लगा लूंगी। इस तरीके से मैंने देखिए बेल्ट लगा ली है। और ये जो मेरी प्लेट्स हैं, ये बिल्कुल फ्रंट में रहनी है, बिल्कुल साइड में नहीं ले जाना है, बिल्कुल फ्रंट में इनको रखना है इस तरीके से। तो ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। Worth it, all the pain you caused me. I know that we weren't perfect. I feel